तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो गाइज, इसका नाम अभी कुछ भी नहीं रखा गया है, और मैं ये बताता हूँ, इनको ना थोड़े दिन पहले कोई छोड़ के चले गया था, इसको और इस छोटू सू को यहाँ पे ये रहा है ना, तो फिर अलका ने ना इनका यहाँ पे घर बना दिया, इधर ही अपने घर के पास एकदम वहाँ पे छोड़ के चले गया था। अब ये दोनों भाई भाई साथ में रहते हैं और इनका खाने का भी बंदोबस्त हम लोग कर देते हैं, तो आप लोगों को भी दिखे, इनकी माँ ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। ये दिख रहे छोटू छोटू से, दोनों इधर ही बैठे रहते हैं। पेडिग्री डाल देता हूँ थोड़ा सा, मैं रखता हूँ गाड़ी में। अरे गाइस, आपको एक खुशखबरी ये भी दे देता हूँ, क्रूज़ कंट्रोल जो है जल्दी चालू हो जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल के लिए जो है एक बार मुंबई जाना पड़ेगा, तो अगर आप लोगों को मुंबई पूरी ट्रैवल सीरीज़ देखनी है मेरी, यानी कि मैं गाड़ी को लेके जाऊँगा मुंबई, लगभग 1800 किलोमीटर के आसपास जो है अपना मतलब पड़ेगा, तो अगर आप लोगों को भी देखनी है अपनी मुंबई वाली ट्रैवल सीरीज़ या फिर ट्रैवल व्लॉग्स इसी चैनल पर, तो नीचे यस लिख दीजिएगा एक बार, वी विल सी कितना कुछ रिस्पॉन्स आता है। क्रूज़ कंट्रोल के लिए गाड़ी ही लेके जानी पड़ेगी, एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया आई गेस हो जाएगा ये, प्रथम भाई हेल्प करेंगे मेरी इसमें, तो नीचे यस अगर आ जाते हैं ना, 50 यस भी आ गए तो उसके बाद हम लोग जो जाएंगे। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम राम लिखते, जब जब राम लिखते बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट फील होता है। खैर गाइस, आज की जो वीडियो है वो अपनी ब्रेजर 2022 के एक बहुत ही बड़े नेगेटिव पे है, या फिर हम लोग बोले एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट पे है, और वो है इसका गियर इशू। सारी चीज़ें बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको, गियर नहीं लग रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और गाइस, कल 8 बजे इस गाड़ी के टॉप 5-6 या जो नेगेटिव्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कि इस गाड़ी में बेसिकली क्या क्या नेगेटिव्स हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि देखो, मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं कि हर्ष भाई आपकी इंस्पिरेशन से हम लोगों ने ब्रेजा ली है, वैसे ही हम बनाने की सोच से, तो अच्छी बात है ये कि मैंने मॉडिफिकेशन करी और उन्हें अच्छी लगती है मेरी मॉडिफिकेशन। पर देखो, पॉजिटिव्स बताता रहा हूँ तो मारुति की तरफ से मेरे को कोई फंडिंग आती नहीं है, जो मैं उस गाड़ी के बारे में अच्छा ही बोलता हूँ, गाड़ी में गलत है तो गलत चीज़ें भी मेरा बताने का आप लोगों को पूरा फर्ज जो है बनता है। अब आ चुकी है अपनी ब्रेजा 2022 में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत, और यार मेरे को नहीं पता मेरा ना गियर्स के साथ कौन सा पुराना वाला संबंध है, जो अपनी महिंद्रा थार थी उसमें भी गियर इशू आ गए थे, दो दो बार आ गए थे, तो आज अपनी मारुति में भी आ चुके हैं। खैर गाइस, वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ ऑटोमैक्स के एक धांसू हॉर्न के बारे में, एक और भासू चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है ऑटोमैक्स की तरफ से हॉर्न। सो गाइस, ये जो हॉर्न है ना भाई, ये इतने ज्यादा लाजवाब हैं जिसकी कोई हद नहीं। अभी मेरे जो हाथ में हाल फिलहाल है, दिस इज अ ब्लैक मैजिक ऑटोमैक्स का हॉर्न है ये। एंड देखो, अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट साउंड चाहते हो ना अपनी गाड़ी से, मार्केट में यूजुअली हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते नहीं है, मतलब एक ही साउंड है। अब एक्सपाइजेड जो कोई भी कंपनी है वो एक ही साउंड निकालते हैं, बट ऑटोमैक्स के पास ना वाइड वैरायटी ऑफ हॉर्न्स अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये लीगल है, जो डीबीबी भी होती है सारी जो है मतलब लीगैलिटी में है। उसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे प्रीमियम भी रखे हैं, इधर आप लोगों को दिख रहा होगा। सो बेसिकली दिस इज द ट्विन टोन क्रोम हॉर्न। तो मैं ये बता रहा था ना कि ऑटोमैक्स के पास जो है वाइड वैरायटी ऑफ हॉर्न्स अवेलेबल, और सबसे ज्यादा अगर मैं बात दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो कितने ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के हैं, बहुत ही ज्यादा उम्दा है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग जो है अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो, और साथ साथ नियरेस्ट डीलर पे जाओ, शॉप पे जाओ, और वहाँ पे आप लोग डिमांड कर सकते हो कि भाई मेरे को ऑटोमैक्स हॉर्न चाहिए। सो गाइस देखो, अभी जो है अपनी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, और ये भी नहीं कि कोल्ड स्टार्ट कर रखी हो, एकदम स्टार्ट करके जो मैं लाया था, और इधर से अगर मैं दिखाऊं मेरे को क्या इशू आ रहा है, रिवर्स गियर अंगेज नहीं होता है। रिवर्स गियर को अंगेज करने के लिए ये देखो यहाँ पे अटकता है, ठीक है। अब रिवर्स गियर को अंगेज करने के लिए आपको पहले अपनी गाड़ी को ऐसे लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे ये एक बीच में आपको आवाज़ आ रही है, ये देखो यहाँ पे आके फिर से अटक गया ये। तो ये सिर्फ रिवर्स में नहीं, ये एक दिक्कत ना अपनी, ये देखो फिर से अटक गया ये या आराम से कई बार जो है स्मूथली आ जाता है, और कई बार ये अटकने लग जाता है। और एक जो है ना फर्स्ट वाले में भी 2-3 बार दिक्कत आई, मतलब चलते चलते जो है मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, उसके बाद जो है अगर मैं फर्स्ट गियर पे तरफ लेके जाता हूँ तो एक कट 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 करके जो साउंड है वो आती है, और ये भाई बहुत ही ज़्यादा नोन इशू है। बहुत से लोगों ने ना मेरे से कमेंट्स में भी बोला था कि हर्ष भाई क्या आपको भी ऐसी कोई इशू फेस करना पड़ता है जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हो, या फिर आप लोग जब गाड़ी को जो मतलब चलाते हो तो क्या आपको रिवर्स में इशू आता है? देखो, तो मैं दिखा दूँ आपको, हमेशा नहीं आता है, बट हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि बेइज्जती हो जाती है भाई, कि हम लोग जो है रिवर्स करने की ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद जो रिवर्स वाला गियर है ना ये लगता नहीं, क्योंकि यार आप पब्लिक प्लेस में खड़े हो और आपको रिवर्स करना है, तो उस टाइम पर जो ना मेरे को 4-5 बार ये मैंने क्लच यहाँ से पूरा प्रेस कर रखा है, अब ये यहाँ से अंगेज नहीं हो रहा। तो ये वाली इशू जो है अगर मैं पूरा अंदर तक भी प्रेस कर दूँ ना, उसके बाद भी जो कई बार ये अटकने लग जाता है, ये देखो
तो ये वाली जो गियर शिफ्टिंग अभी इतनी स्मूथ है नहीं अगर आप ब्रेजा लेते हैं तो गाइस मेक श्योर जब भी अगर आप लोग ब्रेजा भी ले रहे हैं या फिर कोई भी गाड़ी ले रहे हैं मतलब मारुति की ब्रेजा में पर्टिकुलर 1.5 लीटर जो इंजन अभी इन लोगों ने दिया है पेट्रोल इंजन बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, पुरानी वाली ब्रेजा में भी था और वितारा ब्रेजा में मिल जाता है, बट पर्टिकुलर इस यूनिट के साथ यानी कि ब्रेजा में कई लोगों को जो है गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी ऑन स्टिफर साइड लग रही है, ऑन हार्डर साइड लग रही है। मतलब देखो थर्ड गियर जो है ना वो आराम से एकदम आपकी उंगली से ऐसे हो रहा है, उसके बाद फोर्थ की बात करूँ ये फोर्थ भी हो गया, सेकंड गियर में आपको दिखाऊं ये देखो सेकंड गियर भी हो गया, फर्स्ट गियर दिखाऊं मैं फर्स्ट गियर में पूरा उंगली का जोर लग गया उसके बाद हुआ है, और यहीं पे सेम रिवर्स की बात करूं तो ये उंगली क्या मेरा यहाँ से अगर आप लोग देख रहे हो ना स्टिफ मतलब यहाँ से कि कितनी ज्यादा मेरी उंगली भिची हुई है, देखो ये मैंने अपनी लूज छोड़ दी उंगली, और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो कि पूरा जो है यहाँ पे जोर लगाने लग रहा हूं मैं, और उसके बाद जो है ये रिवर्स गियर में आती है क्लच प्रेस होने के बाद। तो भाई दस पर्टिकुलर इशू सिर्फ मेरी ब्रेजा में नहीं है, बहुत से लोगों को जो है ब्रेजा में ये इशू देखने को मिल रखा है, और सबसे बड़ी और सबसे मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं क्या कि नहीं जब मैंने महिंद्रा ली थी ना थार ली थी तो थार के टाइम पे जो है मेरी मतलब मैंने ये वीडियो डाली ऑनलाइन और विद इन नो मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में या फिर आप लोग बोलिए बहुत ही जल्दी जो है महिंद्रा की तरफ से सपोर्ट आई पूरी, एंड उन लोगों का एरिया मैनेजर का कॉल आया कि सर हमने ऐसे ऐसे आपकी वीडियो देखी है और आप बताइए क्या इश्यूज हैं आपको, और भाई वो उनने रेक्टिफाई करके दिया विद इन 5 to 6 days। सोच सकते हो कितनी जल्दी जो है उन लोगों का रिस्पॉन्स आया था, मतलब एकदम क्विक रिस्पॉन्स आया था। मारुति का वी विल सी कि भाई कितना ज्यादा सपोर्ट मारुति देती है अपने कस्टमर्स को, और गियर इशू है छोटा मोटा इशू तो नहीं है, गियर इशू है और कभी कभी फेस होता है कभी कभी नहीं होता, तो मैं इनकेस अगर आप लोग मेरे भाई लेने की सोच रहे हैं ब्रेजा तो भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखी गई है कि आप लोगों को जो गियर सेट इशू है वो काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, और देखने में जो है मतलब ये चीज भी बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है आपको, और जो जो मेरे भाई ब्रेजा ओनर हैं वो लिख के बताएगा क्या उन ए मतलब उन लोगों को जो ब्रेजा में गियर हैं वो थोड़े से ऑन सेफर साइड लग रहे हैं, बिकॉज देखो मैंने मारुति की बलिनो यूज करी है, स्विफ्ट यूज करी है, एंड उसके बाद जब अभी ब्रेजा मैंने मतलब बहुत बार है जो मेरे पापा ने फील करा है कि बेटा कई बार जो ये देखो ये एग्जैक्टली अब ये देखो अपना जो मैं आपको दिखाऊँ ये मैं आपको समझा रहा था ना अब एग्जैक्टली लाइव आया है, यहाँ पे जो है अपना गियर एंगेज हो चुका है रिवर्स गियर भी, क्लच में दिखाऊं पूरा नीचे प्रेस्ड है, अब मैं छोड़ूंगा आपको कर करवा जाइए, ये देखो देखा आपने, अगर मैं आपको बाहर भी दिखाऊं बाहर से भी आपको आवाज सुनने को मिलेगी एक, अब सुनिएगा मैं एक बार एसी भी बंद कर देता हूं, ठीक है ये एसी बंद कर दिया, अब आपको अच्छे से आवाज सुनिए, तो मैंने यहाँ से क्लच भी छोड़ दिया है और गाड़ी जो है वो रिवर्स जा ही नहीं रही है क्योंकि भैया गियर ही एंगेज नहीं हुआ है यहाँ पे, क्लच मतलब इसको गाड़ी को सिग्नल मिल चुके हैं कि रिवर्स गियर लग चुके हैं बट रिवर्स गियर तो एंगेज हुआ ही नहीं है, तो भाई ये वाली दिक्कत ना है यहाँ पे तो आ ही रही है, और कई बार जो है फर्स्ट गियर में भी आ जाती है मतलब गियर अच्छे से एंगेज नहीं होता रिवर्स गियर और फर्स्ट गियर में जो है दिक्कत है। अब ये फिर से अटक गया है यहाँ से, फिर से इधर से इसको पता चल गया है कि भाई गियर लग गया और यहाँ से जो है ये वापस से देख सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, और लेट्स सी कि मारुति कोई रिस्पॉन्स आता नहीं। मैं सर्विस सेंटर लेके गया था, सर्विस सेंटर वालों को नहीं समझ में आया, उन्होंने बोला सर आप गियर शिफ्टिंग सही से नहीं कर रहे होगे, एंड फिर उसके बाद वापस मैंने ये चीज़ बोली कि भाई मैं पिछले ना बहुत सालों से ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब इस गाड़ी को भी मैंने 10,000 किलोमीटर चला चुका है और 10,000 किलोमीटर के बाद तो एटलीस्ट ये दिक्कत नहीं है, मतलब 10,000 तो इसको चला दिया मैंने गियर शिफ्टिंग 10,000 मैंने क्या सही नहीं करी थी, अब वो दिक्कत आई स्टार्टिंग से स्टिफ थी, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा गाड़ी मतलब मेरे को 2 लाख किलोमीटर के आसपास चलाने का एक्सपीरियंस जो है हो चुका होगा गाड़ी को, बट स्टिल फिर भी अब उनकी भाई राय है या उनका जो भी मतलब था उनने जो है गियर इशू बताया, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो, मेरा मेन मतलब ये था आप लोगों को बताना कि भाई मेजर गियर इशू आ चुका है, और वी विल सी सेकंड सर्विस 10,000 किलोमीटर, थर्ड सर्विस 10,000 किलोमीटर पर होगी, उसमें देखते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ राय आती है। तो भाई आज की वीडियो देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरा मच जाएगा, हम लोग आपको ऐसे ऐसी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो है बताते हैं।